हेलो डियर एग्रियंस, आज हम उस इंसान के बारे में बातें कर रहे हैं जिसने पूरे कृषि क्षेत्र के कॉलेजेस को हिला कर रख दिया। हर किसी की जुबान पर सिर्फ उसका नाम है। वो है हमारी डीना कुमारी, जो कि केरला की रहने वाली है। वो यहाँ BTC कार्स में पढ़ती हैं, जिन्होंने कृषि के क्षेत्र में परचम लहराया है अपना सिलेक्शन करवा के। क्या है पूरी खबर, हम आपको बताते हैं। यहाँ देखिए, डीना ने किया रोशन कृषि महाविद्यालय का नाम। उच्च शिक्षा हेतु जर्मनी में चयन, ये जाएंगी जर्मनी में अपनी हायर स्टडीज के लिए। इन्होंने अपना रैंक हासिल किया है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये हमारी डीना कुमारी मैम, बिलासपुर 18 जून की न्यूज़ है। बैरिस्टर ठाकुर छेदीलाल कृषि महाविद्यालय एवं अनुसंधान केंद्र बिलासपुर BTC कार्स जिसे कहते हैं, चतुर्थ वर्ष की छात्रा फोर्थ ईयर स्टूडेंट डीना थंकाचन का चयन उच्च शिक्षा हेतु जर्मनी के शीर्ष स्तरीय होननेम विश्वविद्यालय स्टटगार्ट में हुआ है। BSc कृषि चतुर्थ वर्ष 2020-21 में 8.58, ध्यान से देखिए 8.58 OGPA अंकों से प्रथम स्थान प्राप्त डीना जर्मनी के होननेम विश्वविद्यालय में ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर एंड फूड सिस्टम विषय में स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करेंगी। इन्होंने जो एग्जामिनेशन में क्या किया है, 8.58 OGPA हासिल किया है, फर्स्ट रैंक लेकर आया है, जिसके वजह से उन्हें जर्मनी में पढ़ने का मौका मिला है। और ये वहां पर जाकर ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर जो होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, फूड सिस्टम होता है, उसके बारे में स्टडी करेंगी। इन्होंने अपने जितने भी टीचर्स थे, प्रोफेसर्स थे, अपने पेरेंट्स को थैंक्स कहा है अपनी मेहनत के लिए। बट एक अगर देखना जाएंगे तो आप सभी को पता है कि जब तक हम खुद ठान नहीं लेते किसी चीज़ की मेहनत करने की, तब तक हम किसी भी चीज़ में सफलता हासिल नहीं कर सकते। आज इन्होंने जितना भी कुछ पाया है, आज अपनी मेहनत से इतना कुछ पाकर दिखाया, और ये हमारे सारे ही कृषि छात्रों के लिए गर्व की बात है। और हम सभी को इस चीज़ के लिए प्राउड फील करना है, प्राउड टू बी एग्रीकल्चरिस्ट। क्योंकि जब आप देखते हैं कि नीट वाले जब सफल होते हैं तब लोग उनका स्टेटस लगाते हैं, शेयर करते हैं, पर जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा कि एग्रीकल्चर की स्टडी अलग से होती है। तो आज आप सभी इसे अपने स्टेटस में शेयर करिएगा, ताकि उस बच्ची की भी मेहनत, उस स्टूडेंट की भी मेहनत सफल हो जाए जिसने रात दिन एक करके अपनी सफलता हासिल की है। कहते हैं आप सभी लोगों से एक ही चीज़ मैं कहना चाहूँगी लास्ट में, कि आप भी इसी तरह मेहनत करिए और आगे बढ़ते रहिए, और हमेशा खुद मोटिवेट होइए और दूसरों को करते रहिए। जैसे कि कोशिश कर हल निकलेगा कहते हैं, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर का साथ मरुस्थल से भी जल निकलेगा। तू मेहनत कर, पौधे को पानी दे, बंजर जमीन में भी फल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख तू दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख, कुछ कर गुजरने की, जो है आज थमा थमा सा वो भी अब चल निकलेगा। तो दोस्तों, मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, हमारी यही आपके लिए प्रेरणा। हम आपको देते रहेंगे, आप हमें मोटिवेट करते रहेंगे, और आप सभी ऐसे ही सफल होते रहिए, यही हमारी शुभकामनाएं हैं। थैंक यू, और हमेशा रिस्पेक्ट करिए उन सारे एग्रीकल्चरिस्ट की जो कि आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू फॉर